देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। भारत में 4 लाख मरीज एक ही दिन मिलने का रिकॉर्ड भी बन गया। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बिस्तर सबका अभाव और देश में जरूरत के मुताबिक न डॉक्टर न नर्सें। इसी बीच दूसरी लहर का बढ़ता कहर एक चिंता का विषय है। इसी पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, भारत में कोरोना की पहली लहर के मुकाबले इस दूसरी आई लहर को अधिक भयावह माना जा रहा है। इसमें अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। 19 अप्रैल को कोरोना के मुकाबले 1.5 करोड़ से अधिक हो गए थे और इस सोमवार 3 मई आते आते 2 करोड़ से पार चले गए। इससे क्या संतोष ले कि अमेरिका में हमसे अधिक 3.23 करोड़ संक्रमित हैं, क्योंकि वहां शुरू से ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण इसके प्रति अगंभीर रहा था। लेकिन जब हम पिछली लहर से इसकी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख पार कर गई। इसके बाद 23 अगस्त को 30 लाख पार, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़े पार कर गई। इसके बाद 28 सितंबर को 7 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ से अधिक हो गई। अब देखते ही देखते पिछले 4 महीनों में ये संख्या 2 करोड़ के पार गई, जबकि इस साल शुरू में कोरोना के दबने की आशा पैदा हो गई थी। 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण अभियान भी शुरू हुआ, लेकिन एक ओर टीकाकरण अभियान तो दूसरी ओर संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब हालत ये है कि देश के 10 राज्यों में कुल संक्रमण से 73.87% मामले नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन से सबसे अधिक 56,647 मामले सामने आए। पंजाब और हरियाणा में भी कोरोना की दहशत जारी है। सोमवार के दिन पंजाब में कोरोना ने 157 की जान ली और हरियाणा में 140 की। हरियाणा ने तो 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि पंजाब में अभी आधे अधूरे लॉकडाउन से काम चलाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन से राज्य की आर्थिकता को भारी नुकसान पहुंचता है और मजदूर अपने गांवों को वापस लौट जाते हैं, जिसके कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां लगभग मृत प्राय होने लगती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश उन 10 राज्यों की सूची में शामिल हैं जहां कोरोना के 3/4 मामले पाए जा रहे हैं। यही नहीं, अभी तक कुल संक्रमितों से इस समय सक्रिय रूप से उपचाराधीन मरीजों में 17.13% हो गए हैं और एक दिन में देश का उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 64,000 का इजाफा देखा गया है। अधिकतर उपचाराधीन मरीज भी इन राज्यों से हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में सभी मरीजों के उपचार की व्यवस्था में वही त्रुटियां देखी जा रही हैं जो अन्य राज्यों में देखी गई। सबसे बड़ी त्रुटि ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी त्रुटि अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सहित उपचार बेड्स का ना मिलना और तीसरी कमी प्रतिरोधी टीकों की संख्या का निरंतर कम होते चले जाना। जहां देश में संक्रमण के मामले प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, वहां इनका निरोधी टीकाकरण अपनी रफ्तार को लगातार सुस्त होता पा रहा है। पिछले अप्रैल मास को ले लीजिए और अप्रैल के पहले सप्ताह जितने टीके लगे अंतिम सप्ताह तक आते आते उनकी संख्या 1 करोड़ कम हो गई। कोविन पोर्टल के मुताबिक देश में 3 से 9 अप्रैल तक 2.47 करोड़ टीके लगे। दूसरे सप्ताह में 2.7 करोड़ टीके, तीसरे सप्ताह में 1.70 करोड़ टीके और अंतिम सप्ताह आते आते 1.47 करोड़ टीके लगाए गए। जितने लोगों को टीकों की पहली खुराक लगी उनमें से भी सबको अभी तक दूसरी खुराक नहीं मिल सकी। 1 मई से सरकार 18 से ऊपर की आयु के लिए सब लोगों के लिए टीकाकरण का फैसला ले लिया, लेकिन टीकों की भारी कमी के कारण केवल 8 राज्यों में ही ये टीकाकरण शुरू हो सका और शेष राज्यों में अभी मात्र घोषणा है। इस तरह से कोरोना की ये दूसरी लहर प्रतिदिन अधिक कठिन होती जा रही है। इसका सामना करने के लिए सरकार और चिकित्सा ढांचे को और चाक चौबंद होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। शीतल विज।